कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करें टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को लेकर। अब बताते चले आपको कि एक नई बड़ी खबर सामने आई है जिसकी वजह से यहां पर अब पुलिस घेरे में नजर आ रही है। उसके साथ साथ सुखविंदर और सुधीर तो घेरे में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से परिवार ने बार बार कहा था कि नहीं, ये सामान्य निधन नहीं है, ये एक मर्डर है। इतना ज्यादा परिवार का प्रेशर होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल यहाँ पर शुरू की थी, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, जिसके बाद काफी चीजें सामने आई, लेकिन उन चीजों के साथ ये सामने नहीं आया कि ये सब हुआ क्यों। उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले बता दें कि कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि जो रिमांड पर थे सुधीर और यहाँ पर सुखविंदर, उनकी रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर अब ये इंतजार करना है कि और क्या खुलासे होते, क्योंकि सामने तो ये भी आया था सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर सुधीर ने कह दिया है कि मैंने ही यहाँ पर उनकी हत्या की है, मैं ही यहाँ पर मर्डरर हूँ, इस तरीके की बात सामने आई थी। और ये भी सामने आया था कि सुधीर ने कहा था कि हमने सोनाली को पहले भी जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो तब बच गई थी, इसलिए हमने दोबारा से सारी चीजें प्लान की। एक ही चीज हमारे प्लान का हिस्सा थी कि यहाँ पर हमें झूठ बोल के उन्हें गोवा लेकर जाना है। रिजॉर्ट वाला हमारा इंसान था, उसके साथ साथ ड्रग पेडलर हमारा बंदा था, और यहाँ पर किस तरीके से क्लब पार्टी होगी, कौन सी ड्रेस पहनी जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं, सीसीटीवी कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, सब हमारी यहाँ पर सोची समझी साजिश थी। यानी कि प्लानिंग और प्लॉटिंग हम पूरी तरीके से करके ही गोवा गए थे, ये बात यहाँ पर सामने आई थी। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया है तो यहाँ पर न्याय की मांग करता तो परिवार नजर आ ही रहा है, और यहाँ पर लगातार गोवा पुलिस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और बात पकड़ी गई है गोवा पुलिस की। उन्होंने कहा कि हमने सारी जांच कर ली है, सारे सबूत हमारे पास है, सब कुछ सामने आ गया, लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं की गई और यहाँ पर डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी गई। आखिरकार क्यों? जब तक चार्जशीट फाइल नहीं की जाएगी तो आप रिपोर्ट कैसे भेज सकते हैं? इन्हीं सारी वजहों की कारण यहाँ पर परिवार लगातार उन पर सवाल उठा रहा है। तो खबर का मुद्दा यही था कि आखिरकार सुधीर और यहाँ पर जो सुखविंदर है, क्या 2 दिन और रिमांड बढ़ाने से अब और सच सामने आएंगे, कुछ और कबूलते नजर आएंगे, या फिर अभी भी गोवा पुलिस को छुपाने की कोशिश करिए। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।